आत्मीय दर्शकगण, यदि आप किसी न किसी माध्यम से इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो अपने धर्म साहित्य और संस्कृति के उत्थान के लिए अपना कीमती 5 मिनट इस वीडियो को जरूर दें। तो मैं अरविंद कश्यप, आइए शुरू करते हैं। एक बार सूरदास भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस में इतने खो जाते हैं कि चलते चलते एक कुएं में गिर जाते हैं और 6 दिनों तक उसी कुएं में पड़े रहते हैं। उन्हें अपनी कोई सुध-बुध भी नहीं रहती और प्रेम रस में डूबे रहते हैं। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर इन्हें दृष्टि प्रदान करते हैं। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के रूप का जी भर कर रसपान करते हैं और वर में यही मांगते हैं कि हे प्रभु, मैंने जिस दृष्टि से आपका दर्शन किया है, अब मैं नहीं चाहता कि इस आंख से किसी सांसारिक व्यक्ति या वस्तु को देखूं। आपकी छवि और माधुर्य को अपने चित्त में बसाकर इसी का हमेशा रसपान करना चाहता हूं। हे माधव, मुझे अभिलाषा नहीं किसी अन्य चीजों को देखने की, कृपा कर ये नेत्र ज्योति लेकर पुनः मुझे ज्योति विहीन बना दे। और आत्मीय दर्शकगण, हुआ भी ऐसा ही। सूरदास कुएं से निकलने के पश्चात पुनः दृष्टि विहीन हो गए। कहते हैं कि इनके साथ हमेशा एक लेखक रहा करते थे। इनके मुख से जो भी छंद या भजन निकलते, जो भी कविताएं निकलती, उन्हें वह लिखते जाता था। कई अवसरों पर लेखक के अभाव में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके लेखक का काम करते थे। सूरदास के पद बड़े ही अनूठे हैं। इन्हें पढ़ने से शांति और तृप्ति मिलती है। श्रृंगार और वात्सल्य का जैसा वर्णन भक्त श्री सूरदास के रचनाओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। और सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो। कहा जाता है कि उस समय के मुगल बादशाह अकबर के दरबारी संगीतज्ञ तानसेन ने जब सूरदास की कुछ पंक्तियां अकबर को सुनाई तो अकबर बहुत ही प्रभावित हुए और सूरदास से मिलने के लिए मथुरा आए और सूरदास को अपना यश वर्णन करने को कहा। लेकिन सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अलावे किसी अन्य चीज का वर्णन नहीं कर पाए, जिस कारण इन्हें कारागार में डाल दिया गया। लेकिन वहां भी इनके चित्त में श्री कृष्ण ही कृष्ण और प्रेम ही प्रेम था, जिस कारण वे वहां से भी जल्दी रिहा हो गए। सूरदास कैसे अंधे हुए? भक्त शिरोमणि सूरदास के बारे में ये भी कहा जाता है कि सूरदास जी का बचपन का नाम मदन मोहन था। वो प्रतिदिन नदी किनारे जाकर गीत लिखा करते थे। एक दिन एक लड़की ने उसका मन मोह लिया। एक दिन वह लड़की नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। मदन मोहन का ध्यान उस ओर गया और एक टक वह लड़की को देखने लगे। अगले दिन वह लड़की उनके पास आई और बोली, आप ही मदन मोहन हैं? तो सूरदास बोले, हाँ मैं ही मदन मोहन हूँ और मैं कविताएं और गीत लिखता हूँ और गाता हूँ और आपके लिए भी मैंने लिखा है। ये बात जब मदन मोहन के पिता को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए। तत्पश्चात मदन मोहन घर छोड़कर वृंदावन आ गए। वहां भी मदन मोहन एक दिन मंदिर में बैठे थे, तभी एक सुंदर स्त्री आई, जिसे देखकर पुनः मदन मोहन मोहित हो गए और पीछे पीछे उस स्त्री के घर तक पहुंच गए। दरवाजा खुलवाने पर उसके पति आए और आदर सहित मदन मोहन, जो साधु वेश में थे, उन्हें अंदर ले गए और सेवा सत्कार की, जिससे मदन मोहन को अत्यंत आत्मग्लानि हुई, जिस कारण उसी वक्त मदन मोहन ने उनसे अनुरोध पूर्वक 2 जलती हुई सिलाई मांगी और अचानक अपनी आंखों में डाल ली, जिससे कि मदन मोहन अंधे हो गए। उस दंपति को बहुत अफसोस हुआ और वो सूरदास यानी मदन मोहन की कई दिनों तक सेवा की। स्वस्थ होने पर सूरदास वहां से मथुरा आ गए और अपने गुरु बल्लभाचार्य के दिशा निर्देश में श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सूरदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आप सबों से शेयर करने जा रहा हूँ। सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि थे। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। उनका जन्म संभवतः 1483 ईस्वी में और मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म स्थान संभवतः रुनकता, जो वर्तमान में आगरा जिला के क्षेत्र में पड़ता है, और कई विद्वान दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को भी मानते हैं। इनका जन्म निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता श्री रामदास बैरागी एक प्रसिद्ध गायक थे। आईने अकबरी के अनुसार सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माना जाता है। श्याम सुंदर दास
और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास को जन्म से अंधा होना स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके लेखनी में जो श्रृंगार और रंग रूपादि का वर्णन है कोई बचपन से अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। सूरदास का मुख्य वर्ण विषय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान रहा है। उन्होंने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे श्री कृष्ण के बाल्य रूप का बहुत ही सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। सूरदास आजीवन अविवाहित रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के कवित्व शक्ति के बारे में लिखा है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। ये अपने गुरु वल्लभाचार्य के आठों शिष्य में सबसे प्रिय शिष्य थे। आत्मीय दर्शकगण, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपा कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सोहृदय आभार। आप अपना प्यार और स्नेह आशीष इसी तरह बनाए रखें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।